हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास फोर्थ चैप्टर टू है हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट। इसको हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या क्या है इसमें चैप्टर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको इससे रिलेटेड वीडियोज मिलते रहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, हाउ फार अपार्ट आर द डोर, यानी इसमें हमें डॉट दिए हुए हैं उनको, यानी कि बताने हैं क्या क्या है। गाइस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, किसी टू डॉट्स के बीच में आपको डिस्टेंस देना। हाउ मेनी सेंटीमीटर इज इट, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ स्केल, डिड यू गाइस राइट, यानी आपको बताना है। यानी सिंपल सा अगर एच और के की बात मान लेते हैं, के कहाँ पे तक हमारा यहाँ तक है, और एच कहाँ तक है, ये तो हमारी इतनी बड़ी क्या होगी, ये इतनी बड़ी क्या होगी हमारी डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये इतनी बड़ी हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर, टेक योर आंसर, यानी जो कौन से सोचते हो कि फारदर है, फारदेस्ट हैं, दूर हैं, ठीक है, वो कौन कौन से है, और आंसर बताओ आपको। एंड सिंपल सा अगर जो दूर होंगे तो डी हो सकता है, फिर एच हो सकता है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो कुछ ज़्यादा होगी, ठीक है। सिंपल से होती है, फिर ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, यानी जो डिस्टेंस होगी वो किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये बताना आपको। विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर, टेक योर आंसर, आपको बताना है कि कौन से डॉट सबसे निकट हैं, सबसे करीब हैं, तो यानी ये दोनों हैं श्योरली, नहीं यार ये दोनों नहीं हो सकते, ये दोनों, ये इसमें इतना डिस्टेंस नहीं है, या आप यहाँ पे देख भी सकते हो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इन देखा जाए तो ये वाला है, ये वाला जो नियरेस्ट है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे वाला करते हैं, पेमेंट इसको मैं इरेज कर दूंगा बाद में आराम से, यहाँ पे देखते हैं ये रेज़, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, द शॉर्टर लाइन है कोई भी, देखते हैं छोटी लाइन। अकबर वाज ए फेमस किंग, अकबर फेमस किंग आपको पता ही, ठीक है, ही हैड ए स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल, जो इसका स्मार्ट मिनिस्टर है, इसका क्या नाम है उसका, बीरबल है, ठीक है। वंस अकबर गेव हिम ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू ए लाइन ऑन द फ्लोर, इसने एक यानी कि इसे एक डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया और बोला कि यानी कि एक फ्लोर पे एक लाइन बना दी, देखो यहाँ पे देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, और यानी पूछता है बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार बीरबल हेयर इज अ लाइन, मार्क इट शॉर्टर विदाउट इरेजर, इरेजिंग यानी इसको यानी कि बिना मिटाए आपको छोटा करना है, कैसे, यानी इसने क्या करा है बीरबल लाइन ने, यानी इसने दूसरी लाइन खींच दी अकबर की लाइन से बड़ी, तो ये कह रहा है कि नाउ योर लाइन इज शॉर्टर, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर लाइन शॉर्टर, यानी आपको देख लिया होगा कैसे क्या बनाया उसने छोटी लाइन, मान लो ये पहली छोटी लाइन है और आपको कहा जाए कि एक लाइन इसको छोटी करोगे नहीं रेज किए, तो ये लो आप छोटी हो गई सिंपल के, ठीक है। नाउ कैन यू बी एज स्मार्ट एज बीरबल मेक हिज लाइन शॉर्टर विदाउट इरेजिंग, जस्ट थिंक इज एनी लॉन्गेस्ट लाइन कैसे करें, लॉन्गेस्ट लाइन सिंपल सा अगर ये है तो एक लाइन खींच दो ये लो, ये आपकी लॉन्गेस्ट लाइन है, सिंपल सी बात है। अब ट्राई दिस, इसको ट्राई करेंगे हम, ठीक, कोशिश करेंगे। मेक अ राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द आर्म लेफ्ट आर्म, ठीक, सिंपल सा अगर आपको हाथ को ऐसे कर रखा है इसने, तो यहाँ से जब इस हाथ की यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ तक ही रहेगा, सिंपल सा छोटी रहेगी नहीं इसकी, तो ड्रा एक कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप, इससे छोटा एक यानी 1 सेंटीमीटर कप बनाना है आपको, ये लो क्या कह रहे हैं, ड्रा ए कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप, ये लो 1 सेंटीमीटर आप बना लें, ठीक है। ड्रा ए ब्रूम हाफ एंड एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम, हाफ बनानी है तो ये लो हाफ बना दी भाई, हमसे तो ऐसी बनेगी हाफ बन गई हमारी तो, ठीक है, आप बना लेना। ड्रा अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ, एक हेयर बनाना है, ये लो ये बन गया डबल, डबल क्या ट्रिपल ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है, चलो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ टेल हैव यू ग्रोन, यानी तुम कैसे बड़े होते, ये तो हमें पता है, हम बड़े कैसे होते, हाउ टेल हैव यू ग्रोन, ठीक है। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3, आप क्लास 3 में याद होगा, यू मेजर्ड योर हाइट, आपने अपनी हाइट को मेजर किया था, ठीक है। डू यू थिंक यू हैव ग्रो टेलर, यानी आपके सोचते हैं आप कितने बड़े हुए, ठीक है, हाउ मच कितने सेंटीमीटर है, ये लो मैंने लिखे 10 सेंटीमीटर, पक्का 10 सेंटीमीटर मुझे नहीं पता, ठीक है। हैव योर फ्रेंड आल्सो ग्रोन टेलर, यानी आप कितने तुम्हारे दोस्तों से कितने बड़े हो, ठीक है। फाइंड आउट फील्ड एंड टेबल, आपको इवन फाउंड आउट करना है यहाँ पे, लास्ट ईयर कितनी थी, दिस ईयर कितनी है, हाउ मेनी ग्रोन, कितनी ग्रोन हुई, या फिर छोटे रह गए, या फिर आप उससे बड़े हो गए,
ठीक है। तो जंपा है यहाँ पे कोई भी लड़की, जंपा वंस रीड ए लिस्ट ऑफ द टैलेंट पीपल इन द वर्ल्ड, एक लिस्ट है जो यानी कि उसमें टैलेंट पीपल की एक लिस्ट है, ठीक है, उसको पढ़ रही है, ठीक है। वन ऑफ देम वाज 272 सेंटीमीटर लेंथ, ये कोई भी है वो कितना लंबा है, 272 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज जस्ट डबल ऑफ जंपा, यानी इससे डबल है वो जंपा से। तो हाउ टेल इज जंपा, जंपा की कितनी हाइट है, अगर डबल है तो 272 का आधा कर लो, सिंपल 272 का आधा करोगे तो कितना आएगा भाई, सिंपल सा आएगा 272 डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1, देखिए अच्छा 136 सेंटीमीटर है जंपा, ये और ये रहो, ठीक है। तो ये इमेजिन करना है आपको, वाओ हिज हाइट इज एक्चुअली डबल माय हाइट, ओके। कुड दैट पर्सन पास थ्रू द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग, यानी कोई भी है जैन पर्सन पास हो जाता है थ्रू द डोर, यानी कोई भी मान लो कोई भी हो सकता है, यानी विदाउट बेंडिंग बिना झुके, तो उसकी हाइट बताओ, तुम बच्चा कोई भी यानी कि ये है तो 6 फुट का डोर है, अगर 6 फुट का होगा तो आराम से बिना बेंड हुए आराम से हो जाएगा आ जाएगा। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट, वो सीधा खड़ा होता है तो टच होता है तो सिंपल सा वो यानी उसकी बराबर की हाइट का, ठीक है। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, हु इज टैलेस्ट इन योर फैमिली, कोई भी टैलेस्ट हो उसका नाम लिखो। हु इज शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली, कौन सबसे छोटा है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, और इनके बीच में कितना डिफरेंस है वो बताना है, ठीक है आपको सिंपल से, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, उन्हें आपको देख लेना है नाप नाप के देख लेना कितना क्या, ठीक है। अब हम आते हैं रेस पे, ठीक है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रेस हो रही है, ठीक है। दिस इज ए 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए है। अरुंधाती है कि हाँ, अरुंधाती इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, ये है अरुंधाती, इसको हम जान लेते हैं अरुंधाती, नाम है इसका अरुंधाती, यहाँ से हम ये, ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। सी इज अबाउट 6 मीटर फ्रॉम इट, यानी केवल 6 मीटर दूर है, ठीक है। बिहाइंड हर इज रैना, यानी इससे पीछे वो ना रैना, ठीक है, और कौन करना है एक नेता क्या है, और उमा है वो रनिंग बिहाइंड रैना, इससे पीछे ये दोनों दौड़ रही है, ठीक है। लुक द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंस, इनकी डिस्टेंस चूज करनी है सिंपल सा, अगर हम सिंपल सा में डिस्टेंस चूज करें तो हमें देखना है हाउ फार इज रैना फ्रॉम अरुंधति, अगर इससे कितनी दूर, सिंपल सा यार, अब सबसे छोटी मीटर देख लो आप तो, यानी इतना तो गैप है ना इन दोनों बीच में, तो हम चूज करते हैं 3 मीटर, यहाँ पे 3 लिख देते हैं सिंपल सा, ठीक है। हाउ फार अहेड इज रैना फ्रॉम कौन करना एंड उमा से कितनी दूर, ठीक है, यानी अगर इनका देखा जाए तो ये कितनी दूर हो सकती है, 10 मीटर या 15 मीटर, कोई भी 10 मीटर। हाउ फार है कौन करना एंड फिनिशिंग लाइन से 6 इसका 3 इसका एंड इसका, ये कितना हुआ 6 9 9, और ये कितना होना चाहिए, ये यानी कि टोटल 15 मीटर होना चाहिए, ठीक है, आप कर लेना इसको, बहुत ही ईजी है तो, ठीक है। हैव यू हैड अबाउट ए 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस, ठीक है, कोई भी यानी कि एक आपके आपने 1500 मीटर और 3000 मीटर की रेस सुनी है। यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर मैं के 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर हाफ 1 किलोमीटर, यानी कोई भी अगर 1000 मीटर है तो वो कितना हो गया, आप इसको कह सकते हो 1 किलोमीटर, ठीक है। सो यू कैन सी इन ए 1500 मीटर रेस पीपुल रन, तो कितना दौड़ा उसने 1.5, इन ए 3000 मीटर रेस पीपुल रन 3 किलोमीटर, सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं, नेक्स्ट कहाँ है देखते हैं, ये आ गया नेक्स्ट, इसके बाद में और भी होंगे करेंगे, बहुत इजी है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें तो कि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, ठीक है। हैव यू हियर्ड अबाउट मार्थन रेसेस कोई भी हमने नहीं सुनी, इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दौड़ते हैं इसमें, मुझे नहीं पता हम नहीं करते ऐसा। पीपल रन मार्थन ऑन रोड बिकॉज द ट्रैक ऑफ ए स्टेडियम इज ओनली 400 मीटर, ओनली 400 मीटर का होता है वो स्टेडियम है, लेकिन वो कहाँ दौड़ते हैं, बाहर दौड़ते हैं, रोड्स पे दौड़ते हैं। 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक है, अगर 10 राउंड लगाएगा तो कितने मीटर होंगे, इसको मल्टीप्लाई करो इसे 10 से, कितने होंगे 4 किलोमीटर, पता 4000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू रन ए मार्थन ऑन ए स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट राउंड, कितने राउंड कंप्लीट करोगे, यानी कहने का मतलब कितने राउंड कंप्लीट करने पड़ेंगे आपको, तो हम कह सकते हैं हम यहाँ पे 100 राउंड करेंगे भाई, जब यानी यहाँ पे 4 किलोमीटर हो रहा है तो 1 मल्टीप्लाई और 1 0 जोड़ दो, 100 राउंड हो गया। लॉन्ग जंप देखते हैं, लॉन्ग जंप हाँ है याद, लॉन्ग जंप होता है कुछ, ठीक है। दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज, ये बॉयज के लिए, बॉयज देखो बॉयज ही नहीं, हाँ ठीक है।
धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 meters 40 centimeters, ठीक है. गुरजीत इज सेकंड, हिज जंप इज 20 meters लेस देन धनु. धनु से कितनी मीटर लेस है? 20 सेंटीमीटर. तो कितना हो गया? 3 meters एंड 20 सेंटीमीटर. गोपी कम थर्ड, हिज जंप ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप. गुरजीत जंप से वो इन 3 meters 15 सेकंड 15 सेंटीमीटर गया. हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप? कितनी जो गुरजीत और गोपी की, गुरजीत और गोपी कितनी लंबा है? हाउ लॉन्ग, कैसे लंबी है देखते हैं. क्या देखिए, गुरजीत दे रहा था, गुरजीत दे रहा हमारा, ठीक है. गोपी दे रहा, गोपी कहाँ हमारा? गोपी है, ठीक है. गुरजीत की 20 meters लेस है इससे, तो ये कितने में कूद देता है? 3 meters 20 seconds, 3 meters 20 centimeters, सिंपल सा, ठीक है. और ये यानी हिज जंप ओनली कितनी? 5 सेंटीमीटर लेस है किससे? इससे. तो कितना इसको देगा? 3 meters 15 centimeters. सिंपल सा ये हो गया आपका आंसर. ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप. आओ ट्राई आपको करना है और देखो कितने आप कूदे हो, यानी यहाँ से यहाँ कूद के कितना कूदा आप, ठीक है. हाउ फार यू कैन यू थ्रोन ए बॉल, कितनी दूर फेंका? मैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फेंकूंगा 500 किलोमीटर. देखिए क्या ना अपना आप क्या है, ठीक है. लुक फॉर ए बिग बॉल, एक बॉल को देखो. लाइक ए फुटबॉल और वॉलीबॉल, एक फुटबॉल है और वॉलीबॉल है जो बिग बॉल होती है आराम से, ठीक है. एक छोटी सी बॉल होती है क्रिकेट बॉल, एक फुटबॉल होती है, ठीक है. हाउ फार कैन यू किक इट, कितनी दूर किक किया? इसको किक करोगे बार लगेगी, इसको नहीं लगेगी, ठीक है. सिंपल सी बात है, ठीक है. वो थोड़ी कठोर होती है, ठीक है. तो चलते हैं नीचे. ओ हो गया हमारा, हो गया कम्प्लीट, देखते हैं. हो गया, ज़्यादा नहीं है, इतना ही, ठीक है. तो करते हैं, बहुत इजी से कर लेंगे, नो टेंशन लो. अभी जाए कहाँ तक आ गए थे ये देखो. अपने हम लॉन्ग जंप कर लिए थे हमने कंप्लीट, यहाँ पर आ वो नीचे करते हैं. यहाँ पे हमारा हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड ऑन वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सम जंप, इन कुछ जंप जंप्स हैं, हाई जंप्स हैं. देखो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ठीक है. हाई जंप कितना कूदा, ठीक है. ये आपको इंडियन रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इतने, इंडियन रिकॉर्ड इतने, कितने कितने मीटर रह रहे हैं, ठीक है. तो फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैन रिकॉर्ड फॉर हाई जंप. चंद्रपाल कहाँ है? चंद्रपाल कहाँ है हमारा? ये रहा, ठीक है. तो इसको यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है. हमारे चैनल पर इसकी वीडियो है, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर को कैसे घटाया जाता है, रुपये और पैसों कैसे घटाया जाता है, आप देख लेना, ठीक है. हाउ मेनी सेंटीमीटर हाइयर शुड बॉबी बॉबी ए जंप टू रीच 2 meters. अगर बॉबी ऐसे है, बॉबी ये कहाँ है? ये रहा, ठीक है. इसमें यानी कि बता रहा है कि जंप टू रीच 2 meters, 2 meters के पूरे लिए कितने बाकी है. तो 9 सेंटीमीटर होंगे शायद, नहीं पता कितने होते हैं, 1 meter में 100 सेंटीमीटर होते हैं, सही है. तो 9 सेंटीमीटर बाकी है. रिमेंबर दैट 1 meter इज शोल्ड, हाफ मीटर इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है. गलीना लॉन्ग जंप इज नियरली. नियरली कौन सी है? गलीना कहाँ पे है? ये रही. जो लॉन्ग जंप है वो नियरली कितनी? 10 meters, 7.5 meters, देखते हैं कितने हैं, देखते हैं अगर छोटी है या बड़ी है, अब वो देख लेना, ठीक है. अब देखते हैं आगे. लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप. मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड देखो वुमेन्स का, वुमेन्स हैं ये दोनों, ठीक है. ये दोनों हैं और इनके बीच डिफरेंस बताना आपको, सिंपल है. इसमें से इसको काउंट घटाना है, ठीक है. सिंपल डिफरेंस बता देना आपको. इफ माइक पी कुड जंप, माइक पी कहाँ पे है? ये 8 meters 95 centimeters आपको भरना है यहाँ पे. लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 meters. हाँ सिंपल है. 9 meters कितनी है? यानी जो 5 सेंटीमीटर चाहिए उसको, यानी 9 को फुल करने में. वुड हाई हाई जंप इज वेरी क्लोज टू टू 2.5 meters. कौन है ऐसा जिसको यानी कि 2 हाई जंप में 2 meter और 2 meter करने में 2.5 meter है वेरी जंप, ठीक है. 2.5 meter देते हैं किस किस का है, यानी इसका तो 2 ही है, थोड़े तो इसका भी नहीं है, इसका इसका हो सकता है क्या, इसका नहीं हो सकता, आपको दे रहा ना एक किस किस का होगा, ठीक है. चलते हैं आगे नेक्स्ट वाले पेज पे. तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. तो मैं हमारा है रनिंग एक्सरसाइज. द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 kilometers एवरी डे टू स्टे फिट, यानी कोई भी 2 kilometers दौड़ने के लिए कहता है फिट रहने के लिए, ठीक है. ही टुक 1 round ऑफ दिस फील्ड, एक फील्ड देखता उसने. हाउ फार डिड ही रन, कितनी दूर दौड़ेगा, यानी अगर यहाँ से देखेगा है ना, यानी वो दौड़ना तो इसमें चाहिए उसको, यानी इसमें यानी वो आराम से
इसको लगाएगा तो 2 किलोमीटर आराम से जाए और इस पार्क में देखेगा, पार्क में घूमेगा, ठीक है। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम सो ही चूज ए पार्क नियर बाई। द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 meter लॉन्ग। हाउ मैनी राउंड ऑफ द पार्क मत देवी प्रसाद रन टू कम्प्लीट 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर में 2 राउंड तो सीधे होंगे और यानी कि और हाफ 2.5 राउंड 2 राउंड तो पूरे लगाने पड़ेंगे और एक आधा राउंड, ठीक है। वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड ए कूल ब्रिज वॉज ग्लोइंग ही फेल्ट सो गुड दैट ही केप जॉगिंग टिल ही गोट ट्राइड आफ्टर 8 राउंड दैट डे ही रन कितना किलोमीटर दौड़ा जॉगिंग कर रहा है वो आराम से यानी इसके चारों तरफ तो 8 राउंड काट लिए उसके 8 राउंड कितना हुआ कोई ये आगे देख लो 2400 मीटर हो ठीक है 8 राउंड का मतलब ठीक है तो यानी कि 2.4 किलोमीटर तो उसने दौड़ा एंड मीटर्स में 2400 मीटर आपका ये आंसर दोनों लिख दिए मैंने मीटर का ठीक है। अब ये देखते हैं हाउ मेनी रूम्स आई द कुतुब मीनार 72 किलोमीटर हाई हाँ ये रावना कुतुब मीनार 72 मीटर का है ठीक है। अबाउट हाउ मेनी मीटर हाई ये जो क्लासरूम कितना है कितना ऊंचा है आपके क्लासरूम से ठीक है। गाइस हाउ मेनी रूम्स कितने रूम्स हैं वन और टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू कुतुब मीनार एक्चुअली नाउ यू मेड ए गैस ठीक है। अब बताना है कि आपने कैसे गैस किया किस बेसिस पे गैस किया वो बताना आपको ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्या है हमारा फ्रॉम कोझिकोड टू तलसेर सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोडे नहीं पता क्या है ये कोझिकोडे विच इज 24 किलोमीटर अवे मंजानी इज गोइंग टू तलसारी विच इज 46 किलोमीटर अवे ठीक है 46 किलोमीटर अवे यहाँ पे आपको दिख भी रहा है अवे इन अपोजिट डायरेक्शन अवे अपोजिट डायरेक्शन सिंपल था ठीक है। हाउ फार इज कोझिकोड फ्रॉम तलसारी से इसको देखें कितना किलोमीटर है तो हम करेंगे 46 + 24 कितना हुआ 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर हो गया। हाउ फार इन इज योर होम फ्रॉम स्कूल मोमम कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार ही फर्स्ट वॉक्स अबाउट 400 मीटर टू द पोन विथ स्लीपर्स इन दिस हैंड he then walks 150 meter through the pond next he runs across the 350 meter wide green field then he carefully crosses the 40 meters wide road to reach his school ठीक है। how much does Mamun walks every day to reach school इन्हों कितना चलता होगा अब वो बताना तो सिंपल सा है कि पहले तो 400 मीटर चला ठीक है फिर वो 150 मीटर चला फिर 350 मीटर चला और 40 मीटर इन सारों को जोड़ते आपका आंसर आ जाएगा इज इट मोर देन 1 किलोमीटर कितना ज़्यादा है ये आपको लिखना है उसने घटा के ठीक है। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लिखना है कम होगा तो कम लिखना है सिंपल सा ये कितना होगा यानी कम है मोर देन नहीं है कम ही होगा साहब ठीक है। देखते हैं आगे वाले देखते हैं यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन फाइंड आउट द हार क्या है फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम स्कूल एंड फिल द टेबल राइट इन मीटर्स एंड किलोमीटर एंड आपको बता देना है कि फ्रेंड्स ने कोई बता दो और किलोमीटर कितना डिस्टेंस की दूरी पर है उसका घर हु अमंग योर लिव्स नियरेस्ट टू स्कूल यानी कौन स्कूल के पास रहता है आपको ये बताना है इसमें से जो जिसकी डिस्टेंस कम होगी वो इसका आंसर यहाँ आएगा ठीक है। हु लिव्स फार्देस्ट फ्रॉम द स्कूल जो सबसे दूर रहता है उसका आंसर यहाँ आएगा ठीक है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल कौन से बच्चे हैं जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं 1 किलोमीटर के अंदर अंदर रहते हैं उनके नाम यहाँ पे लिखने हैं वो कितने बच्चे हैं बस नाम नहीं लिखना उनका। इज देयर एनी वन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल हाउ डू दे कम टू स्कूल यानी आपको लिखना है 5 किलोमीटर से कोई ज़्यादा है उसका नाम लिखना है और कैसे वो आता है गैस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इज इन ए रील ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इज इन ए रील इन रील में कितना लंबा होता है थ्रेड आपको नाप के लिख देना ठीक है। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील कैन इट बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग कोई भी स्ट्रिंग होती है काइट रील की वो क्या यानी कि आपको इसको लंबा कर सकते हो स्ट्रिंग को काइट रील की स्ट्रिंग होती है उसको 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर लंबा कर सकते हो आपको बताना एंड का चिप इज मेड आउट ऑफ ए सिंगल थ्रेड हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड मैंने आपको
कोई भी हैंड कर्चिप है वो बनाता है एक थ्रेड, वो कितनी लंबी होती है कोई पता नहीं, वो हैंड कर्चिप वगैरह होती है। ठीक है देखते हैं आईबीएस आई ही है, लास्ट एंड फाइनल पेज है। और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है आईबीएस आई वेयर, आईबीएस आई वेयर ए काइट सो दैट आई कुड राइज अबाउट दिस बिल्डिंग इज हाइट, आईबीएस आई वेयर ए बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबाउट दैट काइट, आईबीएस आई wear a cloud so that I would move above those little birds, I wish I wear a plane so that I could rise above the clouds and the hills। यानी इसमें बताया गया है कि अगर मैं यानी काई चीज का होता तो मैं यानी आराम से मिलता इन बिल्डिंग के ऊपर उड़ता, अगर मैं एक बर्ड होता तो आराम से फ्लाई करता काइट के ऊपर से, और अगर मैं एक बादल होता तो आराम से लिटिल बर्ड्स को यानी अबाव ऊँचा उड़ता, और प्लेन होता तो यानी कि क्लाउड से भी ऊंचा होता। ठीक है एंड पहले तो ये सोच रहा था ये बन जाऊंगा तो यहाँ से ऊपर उड़ूंगा, यहाँ से उड़ूंगा तो इससे ऊपर उड़ूंगा, क्लाउड जाऊंगा तो इससे ऊपर उड़ूंगा, प्लेन जाऊंगा तो सबसे ऊपर उड़ूंगा। ठीक है ये सोच रहा, ठीक है होता नहीं आता। ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन अबाउट हाउ मैनी रूम आई वॉच। ठीक है आओ बताना है कि कौन सी हाईएस्ट बिल्डिंग है जो आप देख रहे हो, और अबाउट हाउ मैनी रूम है कौन सी हाईएस्ट बिल्डिंग है देख सकते हो। ठीक है आओ बताने कौन सी हाईएस्ट बिल्डिंग है और इसमें कितने रूम है। ठीक है हाउ हाई कैन ए काइट गो, कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, यानी जो काइट गई है उसका कुतुब मीनार से ऊपर चल जा चुकी है आपको ये बताना। ठीक है यानी कुतुब मीनार से नहीं भी गई होगी या इतनी नहीं गई होगी, मजाक कर रहा हूँ। हाउ हाई कैन ए फ्लाई, कैन ए प्लेन फ्लाई, कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई, यानी अगर 9 किलोमीटर उड़ रहा है तो क्या ये माउंट एवरेस्ट के ऊपर उड़ रहा है। हाँ सिंपल सा बात है ये इतना बड़ा होता है वो माउंट एवरेस्ट, इतना बड़ा 8848 मीटर लंबा, यानी क्या बोला 8.9 मान लो 8.9 किलोमीटर लंबा। ठीक है 9 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है Have you ever seen clouds below you? क्या आप किसी भी क्लाउड को नीचे देखते हो? नहीं, अगर आप अगर नीचे रहेंगे तो क्लाउड हमें ऊपर नजर आएंगे, जब हम यहाँ पहाड़ पे चले जाएंगे हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें नीचे नजर आएंगे क्लाउड। ठीक है सिंपल सी बात है। अगर दोस्तों यानी हमने क्लास 11th 4th चैप्टर करा दिया है, सॉरी 2nd चैप्टर करा दिया है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।